दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो चीन की विशाल दीवार से परिचित नहीं होगा। पूरे विश्व से लोग इस दीवार को देखने के लिए आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि यह दीवार अंतरिक्ष से भी दिखता है। अंग्रेजी में ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना के नाम से जाने जाने वाली यह दीवार दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसकी वजह से यह दुनिया की सबसे लंबी दीवार भी कही जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दरअसल इसके पीछे बहुत हैरान करने वाली कहानी छिपी है। इस दीवार की लंबाई कितनी है इसको लेकर भी थोड़ा विवाद है। दरअसल साल 2009 में किए गए एक सर्वेक्षण में दीवार की लंबाई 8,850 किलोमीटर बताई गई थी, लेकिन साल 2012 में एक सर्वेक्षण में ये बात गलत साबित हुई। उस सर्वेक्षण में बताया गया कि चीन की दीवार की लंबाई कुल 21,196 किलोमीटर है। सर्वेक्षण की यह रिपोर्ट चीन की एक अखबार में भी छपी हुई थी। इस दीवार के बनने की कहानी कोई 200-400 साल की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है। वैसे तो ऐसी दीवार बनाने की कल्पना चीन के पहले सम्राट किन्सी हुआंग ने की थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सके। उनके मरने के सैकड़ों साल बाद दीवार का काम फिर से आरंभ हो गया। कहा जाता है कि इसे बनाने की शुरुआत ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में हुई थी, जो 16वीं शताब्दी तक चली। इसका निर्माण एक नहीं बल्कि चीन के कई राजाओं ने अलग अलग समय में किया है। कहा जाता है कि इस दीवार का निर्माण दुश्मनों से चीन की रक्षा के लिए किया गया था, लेकिन ऐसा हो नहीं सका था क्योंकि 1221 ईस्वी में मंगोल शासक चंगेज खान ने एक जहाज से दीवार को तोड़ दिया था और उसे पार कर चीन पर हमला भी कर दिया था। चीन में इस दीवार को वाल ली चैंग चैंग के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दीवार की चौड़ाई इतनी है कि इस पर एक साथ 5 घोड़े या फिर 10 पैदल सैनिक चल सकते हैं। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित भी किया गया है। कहा जाता है कि इस दीवार को बनाने में करीब 20 लाख मजदूर लगे थे, जिनमें से करीब 10 लाख लोग ने इसे बनाने में ही अपनी जान गंवा दी थी। कहते हैं कि उन लोगों को फिर दीवार के नीचे ही दफना दिया गया था। यही वजह है कि चीन की इस महान और विशाल दीवार को दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, इसलिए यह एक रहस्य बनकर रह गया है।